सो वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिग बॉस में जो अभी अभी एक नया मतलब मुद्दा उठाया गया है और उस मुद्दे का कितना सर हाथ पैर है उसी बारे में बात करूंगा। देखो पब्लिक रिएक्शन क्या है वो तो मैं सबसे पहले दिखाऊंगा, उसके बाद से मेरा जो स्ट्रांग ओपिनियन है वो भी बताऊंगा और आप उस चीज़ से मुझे जहाँ तक लगता है 100% नहीं तो कम से कम मोर देन 90% तो आप एग्री कर ही जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पब्लिक क्या कह रही है। तो सवाल रखा गया है तौकीर सुंबुल के जो पिताजी ने उठाई शालीन और तीना दत्ता के खिलाफ अपनी आवाज़, क्या आप भी हो उनसे सहमत जी? तो ये सवाल है। अब इस सवाल के जवाब में पब्लिक ने क्या रिएक्ट किया है इसी बारे में बात करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जो लगता है वो लोग बोलते हैं एक ओपिनियन था टीना का, उसको लगा बोल दिया। नॉर्मली लोग ऑब्जर्व करते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं, टीना ने बस शालीन से बात की और कह दिया, जो कि मैं भी मानता हूँ। अंकल तौकीर टोटली रॉक द एपिसोड, रियली वेरी इंस्पायरिंग वर्ड्स फ्रॉम हिम फॉर हिज डॉटर। सीरियसली लेकिन उनके डैड जो लिखते हैं, इससे पहले सुंबुल ने एक और मतलब पोएम था जिसको उसने बताया था अपने जुबान में, दैट वॉज सीरियसली अ गूज बम। अगर आप वो सुने होगे तो आपको एकदम गूज बम आ जाएगा कि क्या लिखा है और सीरियसली उसको इस तरह से याददाश्त में रख भी लिया है, वो मानना पड़ेगा यार। और उसके बाद से जो तौकीर साहब इस बार आए, इस बार भी उन्होंने एकदम रॉक कर दिया। मतलब जिस तरह से उन्होंने अपना पोएम सुनाया, अपनी शायरी जो थी एक लिखावट वो जब सुनाया, तो वह सुनने के बाद वो उस वक्त में भी एक अलग ही सा फील आया कि यार एक मतलब फीमेल को लेकर के इस तरह से एक लिखना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत ज़रूरी था। सुंबुल इज़ वेरी इनोसेंट, शी नीड्स दिस रियलिटी चेक कि उसके वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, कि उसको किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इट इज़ रियली बिग थिंग, आई रियली अप्रिशिएट हिज डैड्स फॉर टेकिंग हिज बोल्ड स्टेप फॉर सुंबुल। शालीन एंड टीना ने सच में सुंबुल की इमेज खराब कर ही दी थी। आऊँगा मैं इस मुद्दे पे आऊँगा। अंकल आपकी बेटी है उनके पीछे पीछे चली जाती है, वो उसके पास नहीं आए, आपको कोई हक नहीं बनता दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने का। वो एक दोस्त की तरह ट्रीट करती है भाई, बुलाती ही टीना और शालीन की गलती है, लाइव फीड देखो और बोलो। खामखा टीना और शालीन को विलन बना रहे हो, अगर इतनी ही छोटी बच्ची थी तो बिग बॉस में आई क्यों? पता नहीं है क्या बिग बॉस में क्या क्या होता है? आप तो बोलते हो यहाँ कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं, सब बराबर होता है, तो ये छोटी छोटी लगा रखे हो क्यों? सही है। मान्या सिंह, शिव, MC स्टैन, गोरी के घर से भी गाइडेंस के लिए नियर वन को बुलाना चाहिए। स्पेशली स्पेशल प्रिविलेज फॉर कलर्स फेस इनजस्टिस फॉर अदर कंटेस्टेंट्स। यहाँ पे क्या है कि वो कलर्स की फेस थी पहले और उसके बाद से इनको जो अभी दिया गया है फैसिलिटी, देखो बिग बॉस का सबसे बड़ा रूल यही है कि बिग बॉस के घर के अंदर में जो भी कंटेस्टेंट है उनको बाहर का माहौल नहीं दिखाया जाता। और दूसरी चीज़, वो एकदम सीजन का एंड रहता है एक पर्टिकुलर टाइम पे आने के बाद, जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तब आता है वो पेरेंटल वाला सीन कि हाँ भाई आपके घर वाले आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स मिलने के लिए आ रहे हैं, आपके अपने मिलने के लिए आ रहे हैं, और उस वक्त में जो है थोड़ा बहुत हिंट देकर जाते हैं। वहाँ पर भी बिग बॉस कहते हैं कि आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पर स्पेशली सिर्फ 2 ही हफ्ते के अंदर में सुंबुल के डैड का इस तरह से एंटर करना और पूरा एक एक पोल खोल के सामने रख देना और किस तरह से आगे खेलना ये चीज़ बताना, किस हद तक सही लगता है यार। ये देखा जाए तो पूरे तरह से नाइंसाफी है ना। फिर तो MC स्टैंड का भी सही नाम लिया, शिव MC स्टैंड और जो भी है, अब बोल दो कि वहाँ पे सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट में ये है, तो फिर उस हिसाब से यार क्या बोल सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर अब्दुल रौजिक को भी दो गाइडेंस कि भाई कैसे खेलना है, क्या खेलना है, दो ना अच्छे तरीके से दो। फिर साजिद खान को तो और भी मिलना ही चाहिए और वो मिल ही रहा होगा, वो ऑन स्क्रीन नहीं है पर ऑफ स्क्रीन में मिल ही रहा होगा इंस्ट्रक्शन कि किस तरह से अपनी इमेज को जो है सामने में पोर्ट्रे किया जाए। इसके पापा को ही कंटेस्टेंट बना के भेज दो, हद है। इतनी ही बच्ची है, इतनी ही इनकी बच्ची डम है तो घर पे रख लो। शालीन की वजह से ही 5 मिनट दिख रही थी। शालीन के वजह से नहीं, मैं भी पहले बार में शॉक्ड हो गया, ऐसा लगा कि क्रश व्रश आ गया, फिर बाद में समझ में आया कि वो अपने वाला सिटी होता है ना, जैसे सेम सिटी से होना, सेम जगह से बिलोंग करना, तो फिर एक अलग तरह का बॉन्डिंग होती है, वो है। लेकिन जिस तरह से हाथ पकड़ा जाता है उसमें मैं आऊँगा। अभी वीडियो को एंड तक देखो, बहुत खतरनाक चीज़ मैं बताने वाला हूँ और आप भी एग्री करोगे उस चीज़ से। यहाँ पे एक वीडियो है, ये उस टाइम का वीडियो है जब वो टीना क्लियर कर रही होती है कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या, और उसके बाद वो कहता पता नहीं मुझे यार उसका क्या है और किस तरह से है। वैसे वो फर्स्ट टाइम जब मुझसे मिली थी तभी उसने बताया था कि एक अलग सा मतलब कनेक्शन बना हुआ है, एक अलग सा मतलब
कहते हैं ना एक सेफ्टी फील होना या फिर किसी तरह से एक कनेक्टेड फील होना, वो चीज़ एक सामने आया था, तो वो चीज़ के बारे में बता रहा था और यही एक छोटी सी कन्वर्सेशन थी। ओके, सो कुछ लोगों का कहना है द डैड ऑफ द एयर। यार मुझे एक चीज़ तो नहीं समझ में आता है कि हम जब रियलिटी में अपने माँ बाप से दूर रहते हैं या फिर एक महीने के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं या फिर पढ़ाई के लिए बाहर रहते हैं, जॉब के लिए बाहर रहते हैं और कुछ महीने बाद या एक हफ्ते के बाद भी वापस आते हैं तो क्या रोना चालू कर देते हैं? क्या सीरियसली ऐसा होता है? हाँ देखो, मैं अभी आता हूँ मेन मुद्दे पे। यहाँ पे काफ़ी लंबा सा दिया हुआ है, चलो एक दो और मैं बता देता हूँ, वैसे काफ़ी लंबे सी लिस्ट है। अंकल जी को पहली बार ही एक्सपीरियंस दिला देना चाहिए था, फिर बिग बॉस घर में भेजना था क्योंकि बिग बॉस घर में टू मोस्टली चीज़ें गेम के लिए ही होती है, इवन लव भी। और आप बिग बॉस के घर से अपनी बेटी को दुनिया कैसे होती है वो बता रहे हो? सॉरी अंकल बट इट्स नॉनसेंस, बच्ची को पहले बड़ा करो। वो भाई इसको कहते हैं, ये होता है कि आप एकदम न्यूट्रल होकर के बोल रहे हो, ठीक है। और अभी जो मैं आगे बात करने वाला हूँ, सबसे पहले चीज़ मुझे सबसे डम्ब प्लेयर में से कोई अगर लगता तो वो शालीन लगता है, सबसे ज़्यादा फेक लगता तो वो शालीन लगता है। टीना दत्ता काफ़ी इंटेलिजेंट लगती है, वो अपना गेम बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रही है, उसको एग्जैक्टली पता है किसके साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए और गेम में हमें क्या सामने रखने पर ज़्यादातर कैमरा जो है मुझे फॉलो करेगी, जो कि इस चीज़ को जो है घर के अंदर में बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अगर मुझे सबसे ज्यादा जेन्युइन कोई लगता है तो जितने भी 16 के 16 कंटेस्टेंट हैं उन सब में से अगर कोई भी एकदम परफेक्ट और कहते हैं ना अपनी रियल अवतार में दिख रहा है तो वो है अंकित, जिसको बिग बॉस ने कहा कि आज तक सन्नाटे का मैंने कोई चेहरा नहीं देखा था पर आपके आने के बाद अब वो भी देख लिया है। एंड ट्रस्ट मी, ही जस्ट फील लाइक अ किंग। उसको मतलब अंदर से अलग ही उसकी फीलिंग है, वो अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत अलग रखता है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि उसको देख करके लगता है ही इज़ द किंग। वो अपने आप में किंग है, कोई शो उसको किंग बनाने वाला नहीं है। फिर तो मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप जो बता रहे हो कि आपकी बेटी के साथ में गलत हो रहा है, तौकीर साहब सुंबुल जो है ना शी इज़ नॉट अ किड, वो कमाना सीख चुकी है, वो एक्टिंग कर चुकी है और उसके बाद से उसको दुनिया की समझ ऑलरेडी आ चुकी है। हाँ वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग फीमेल है। सुंबुल के अंदर में जो कैरेक्टर है ना, उस कैरेक्टर का जो है ना एक अच्छा इंसान हो या फिर कोई एक ऐसा बंदा जो कि मतलब न्यूट्रल में रहना चाहता है, कोई मेल फीमेल में मतलब भेदभाव नहीं करता है, वो उसको बहुत अच्छे से सराहेगा। और मुझे भी देखा जाए तो मेरा भी ड्रीम रहता है यार कि कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो अपने आप में एक पावरफुल कहते हैं ना कैरेक्टर लेकर चल रही हो, और सुंबुल में वो बात है जिसके वजह से वो मेन अट्रैक्शन पॉइंट बनी मेरे लिए। जैसे वो इंटर करी और उसके बाद उसने एक हरकत की जिसमें उसने शालिन को पूरा गोद में उठा लिया था, उससे एक तो उसका फिजिक्स का पता चला कि यार वो सिर्फ बातों में नहीं एक्चुअल में वो अंदर से एकदम स्ट्रांग है, और ऐसे ही चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए और एक लड़की को ऐसे ही होनी चाहिए। छुई मुई से रह करके आप क्या ही कर लोगे, अपनी खूबसूरती का जादू चलाओगे, अपने हुस्न की अदा से लोगों को फंसाओगे, लेकिन अगर आपके अंदर में अपने आप में एक मजबूती हो ना तो आप सुंबुल जैसा मतलब सुंबुल के अंदर में जो कैरेक्टर है वैसा अगर आपके अंदर में आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन सुंबुल यहाँ पे अचानक से इतनी सॉफ्ट क्यों पड़ गई? तो चलो मैं बताता हूँ कि जो शुक्रवार का वार था उससे पहले वाली रात में शालीन टीना और इसने सुंबुल ने मिलकर के क्या किया। रात का वक्त है, सोने जा रहे थे, लेट नाइट था जो कि लाइट्स ऑफ थे और वहाँ पे दोनों का कमरा अलग अलग था जिसमें शालीन अलग रह रहा था। उससे पहले तीन की तिकड़ी बहुत अच्छी चल रही थी, उसके पीछे मैं भी आऊँगा, लेकिन यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हाथ में हाथ डाल करके नहीं, उस वक्त में गले डाल करके तीनों जन एक दूसरे को हक किए हुए थे। और उसके बाद से एक लाइन बोला गया था शालीन की तरफ से कि मुँह मीठा किया जाए, उसके वजह से बात आई चॉकलेट की, और वो चॉकलेट जो है कुछ अलग ही मीनिंग में था, डबल मीनिंग में था। और अब बताता हूँ कि तौकीर साहब यानी सुंबुल के डैड क्यों आए। अभी देखो नेशनल टेलीविजन पे आए तो आए, अब उनको जो है सारी चीज़ों को बैलेंस करना भी था, जो उन्होंने बैलेंस किया भी। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इस चीज़ को देखा, नोटिस किया या एंड वाली चीज़ को जो है दिमाग में लिया। वहाँ पे सुंबुल का कहना था, सुंबुल का जो वहाँ पे एक्ट था उस रात को वो बहुत ही अलग था, वल्गर था, और सिर्फ सुंबुल का नहीं तीनों का, तीन की तिगड़ी की, यह बहुत ही गंदा था। वहाँ पे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात की जा रही थी कि मुंह मीठा करते हैं चॉकलेट फ्लेवर पे, समझ पा रहे हो क्या कहा गया था। उसके बाद से तीनों अलग होना नहीं चाह रहे थे, बड़ी मुश्किल से तीनों अलग हुए, ठीक है। अब आते हैं उस सिचुएशन पे जहाँ से ये मुद्दे की शुरुआत हुई। जब कोई लड़की आती है तुमको आकर के बार बार हाथ पकड़ करके बात करती है
तो आप हर किसी की नजरिया तो नहीं बदल सकते ना कि वो तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों है और उसको तुम सही कर सको। अब यहाँ पे टीना ने क्यों पूछा था ये सुम्बुल के डैड को नहीं समझ में आ रहा है शायद। टीना ने उस दिन क्लियर इसलिए किया था क्योंकि टीना को अपना लाइन वहां पे बनाना था, वो अपना दिल ना टूटे इससे पहले कि वो जाने नहीं कुछ, और उससे पहले ही वो अपना सब कुछ लाइन अप कर ले, उससे पहले वो क्लियर करना चाहती थी कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और उस जगह पे जो है भाई साहब का कहना था ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर अगर नोटिस की जाए तो जब जब टीना आती है तब तब सुम्बुल दौड़ के आ जाती है, और जब जब सुम्बुल उसके साथ में रहती है शालिन के साथ में तब टीना दौड़ कर आ जाती है। दोनों में से किसी को ये चीज़ हजम ही नहीं होता है कि मेरे अलावा जो है वो दोनों अलग एक साथ मतलब रहे, समझ में आ रहा है। अब आते हैं कि भाई ये जो डैड आकर के इतना सुना करके गए हैं वो क्यों सुना करके गए हैं, समझ में आ रहा है। इनको वो रात वाली बात बहुत ज़्यादा चुभी, इनको पता था मेरी बेटी गलत कर रही है, जो चीज़ ये कर रही है ना उस चीज़ के लिए मैंने नहीं भेजा था। जिस तरह से मान्या आई वो स्टेज से ही बोलकर आई और अंदर में भी यही बोली। अब इसका मतलब ये मत समझना कि उसकी दाल नहीं गलेगी, कुछ टाइम के लिए मैं भी यही सोच रहा था कि इसकी दाल गलेगी ही नहीं तो किसी को पटा करके क्या लेकर के जाएगी या फिर लव एंगल क्या बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका पहले से एक फोकस था, वो क्लियर थी कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये चीज़ नहीं, मुझे सिर्फ ये चीज़ करना है। सुम्बुल आई एक स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ में, अंदर में एक अलग सा कैरेक्टर लिए हुए जो कि सब जिससे सब कोई प्यार करते हैं, खास करके इंडस्ट्री के लोग ज़्यादा प्यार करते होंगे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इससे पहले उनका कोई काम नहीं देखा, यहाँ पे बिग बॉस में आने के बाद मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ी और समझ में आया कि अच्छा तो ये है। अब इनके डैड का कहना है कि मेरी बेटी का इमेज खराब कर रहे हो, आपकी बेटी खुद से जा रही है, जो कि लोगों ने कमेंट भी किया है कि आपकी आपको अगर लगता है कि आपकी बेटी के साथ में गलत कर रही है, आपकी बेटी छोटी बच्ची तो नहीं ना है ना, आपकी बेटी खुद से दौड़ करके जाती है। दूसरी चीज़, मैं मुद्दे से भटक गया हूँ और बीच में पॉइंट था वो मैं छोड़ चुका था, इसलिए मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ कि जो कह रहे हैं कि तुम्हारे बचपने का मजाक उड़ाया जा रहा है, तुम्हारी मासूमियत को छीना जा रहा है, मेरे अंदर में भी मासूमियत है, मैं भी बच्चा बनता हूँ ऑफ द कैमरा नॉट ऑन द कैमरा, मुझे इस चीज़ की समझ है कि मुझे कहाँ पे क्या रहना है। अब इस चीज़ को अगर ये कह दो कि तुमने एक इमेज एक अवतार लेकर के सामने में बैठे हुए हो जो कि दुनिया से छुपा करके रखे हो, नहीं अभी आप नेशनल टेलीविजन पे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। उसके बावजूद भी अगर आ रहा है तो वो आपका इनबिल्ड है, वो आपका नेचर है, उसको आप कभी नहीं बदल सकते। अभी जैसे मैं भी कर जाता हूँ, अब बाद में बैठ के एडिट करता हूँ कि ऐसी बदमाशियाँ ऐसी उल्लड़पंती नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे शालिन ने उसको सिर्फ ये समझाने की कोशिश की कि बी अ मच्योर पर्सन, आप छोटी बच्ची नहीं हो, आप ढंग से रहा करो, ये कौन सा तरीका होता है, जो कि वो नेचुरली वैसे ही करती है। उसको उसने सोचा होगा कि थोड़ा यार अलग तरह से बिहेव करे, कुछ अलग स्ट्रांग कदम लेना शुरू करे, इस तरह से बच्चे बन के ना घूमे वो। आपकी बेटी को वो गलत तरीके से नहीं बल्कि एक सही तरह से समझा रहा था। और ये जो गौतम है ये सब है, मुझे नहीं लगता इन लोगों ने किस इंटेंशन से किया है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ है बिग बॉस के लोगों में मतलब जो अंदर आते हैं कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में, वो हमेशा हर तरह से मौके की तलाश में रहते हैं। वो जब देखते हैं किसी और के साथ में कुछ बिगड़ रहा है उसी वक्त वो बिगड़ने वाले के साथ में अपना कनेक्शन बनाते हैं, अपनी चार की ग्रुप है तो उसको पाँच का बनाते हैं और उसकी अगर छः है तो वो पाँच हो जाती है, इनका ग्रुप स्ट्रांग हो जाता है और इस तरह से यूज़ करते हैं एक दूसरे को। ये था वहाँ पर यहाँ पे साहब ने कह दिया शिव यू आर द रियल मराठा। उसके बाद से अर्चना इट इज़ लाइक अ बिग सिस्टर। और एम सी स्टैन मुझे रियल लगता, वो कहीं से भी फेक नहीं लगता, हाँ बातें ओवर कर जाता लेकिन वो सही था, उसका मैं सही बोलूँगा कि उसने सही किया। गौतम बहुत मच्योर पर्सन है, उसने दोनों चीज़ के लिए किया, एक उसकी सेफ्टी के लिए, एक उसको समझाने के लिए, और दूसरा अपना भी तो कुछ बनाना है, अपना भी तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना है ना जो हमें आगे चल के सपोर्ट करे। अभी देखो नेक्स्ट आगे चल के क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें चेंज होगी। अभी बैलेंस वाली बात करता हूँ कि तौकीर साहब जो सुम्बुल के डैड थे वो आने के बाद इतना लंबा चौड़ा लेक्चर झाड़ा, बीच में दो चार लाइन बोला उन्होंने, वो एग्जैक्टली कहने के लिए आए थे कि बेटा अभी तुम जो कर रहे हो ना अगर ऐसे ही करते रहे तो कोई भी बाप अपने बच्चे को जो है ऐसे खुले हाथ से नहीं छोड़ेगा, इस चीज़ का मतलब समझ रहे हो। उनको उन सारी चीज़ों से ठेस पहुँचा जो वो हरकत वो अब तक करती आई है पिछले दो हफ्ते के अंदर में, लिपटना, हाथ पकड़ के चलना, गोद पे चढ़ जाना, कुछ हंसी मजाक, एनी टाइम किसी के साथ में घूमना, अब वो शालिन हो सकता है। अभी देखो जैसे ही डैड समझा करके गए, अब यहाँ पे वो चीज़ समझ में आया मुझे कि जैसे ही उनके डैड उसको समझा करके गए वो फिर से जा करके किसी के गले लग गई, वो था गौतम। अब इससे क्या समझ में आता है, वो कमज़ोर है कुछ पॉइंट पे, है इमोशनल हो जाती है। अब इसी चीज़ को वो किस तरह से समझाता टीना को, या फिर वो टीना और शालिन मिलकर के पूरी दुनिया को कैसे समझाते,
कि नहीं कुछ नहीं चल रहा है, इट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल थिंग। और शालिन ही वो पहला बंदा है जिसने उसको कहा था टीना को कि यार बच्ची है वो। शालिन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा था कि वो बच्ची है, तुम क्या सोच रही हो। उसने बच्चे के हिसाब से लिया था उसको, इनके डैड कहते हैं बेटी के हिसाब से, छोटी बहन के हिसाब से नहीं लिया आपने। तो इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद ये चीज समझ में आया है कि एक टाइम पे तनिषा थी, काजोल की बहन, ठीक है, तनिषा थी अरमान कोहली के साथ में, जाने दुश्मन वाला वो नाग, वो दोनों के बीच में चल रहा था कुछ दमदार जो कि नेशनल टेलीविजन पे बहुत खराब दिख रहा था। उसके बाद से पटेल साहब ने उसके साथ में कुछ कांड कर दिया था, पुश कर दिया था, और ये पुश जो था उसके सीधे ब्रेस्ट पे था। ये दो इंसिडेंट इतना ज्यादा हिट किया कि अजय देवगन ने पर्सनली सलमान खान को कॉल करके कहा था कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसको शो से अभी के अभी निकालो, कुछ भी रीजन दो, कुछ भी ऐसा करो कि उसको शो से निकाला जाए। सलमान खान ये नहीं कर पाए, बिग बॉस भी नहीं कर पाए, मेकर्स इस चीज का पूरा फायदा उठाना चाहते थे क्योंकि इसके वजह से पूरा टीआरपी अप चला गया था और लोग इस चीज को लेकर के बहुत मजे ले रहे थे। और हमें तो पता है ना कि हम बिग बॉस देखते क्यों हैं, दूसरे के फड्डे में हमें टांग डालने में बहुत ज्यादा मजा आता है, और इसी को मजे लेने के लिए रात को बैठ के हम लोग ये इंतजार करते हैं कि कब किसी का झगड़ा हो, और उसके बाद से लेकर के हम इसी तरह की बकवास करें जो अभी कर रहे हैं क्योंकि हमें मजा आता है। तो सलमान खान ने उस वक्त में क्या किया था, एक लंबी सी कहानी बना करके किसी और पे चढ़ाया और बहुत बुरे तरह से झाड़ा। आज के एपिसोड में वही होने वाला है। कल सुम्बुल के डैड आए, इतना कुछ सुना करके गए, आज के एपिसोड में सलमान खान जो है अपना जैकेट उतारेंगे, थोड़ा सा चिल्लम चिल्ली करेंगे, और उसके बाद से जो है ये मामला रफा दफा हो जाएगा क्योंकि उसके बाद से सुम्बुल सही तरह से खेलने लग जाएगी। यार मैं हर सीजन में सोचता हूँ, इस सीजन में मुझे इतना ज्यादा उम्मीद इसलिए है कि बहुत सारी चीजों को कंजम्पशन के हिसाब से देखा गया, किस तरह से ऑडियंस देखना चाहती है, ऑडियंस को मजा कैसे आ सकता है, ऑडियंस को समथिंग न्यू दिया जाए, ऑडियंस को कंटेंट दिया जाए, मतलब कुछ ऐसा दिखाया जाए कि ऑडियंस एकदम इंगेज हो जाए। और उस चीज का जो है पूरा पूरा प्रयास किया है बिग बॉस ने पिछले 2 हफ्ते के अंदर में, सारी चीजों को बदल बदल कर। बाय द वे कल के दिन में वापस से घर पे गाना बज चुका है द मॉर्निंग सॉन्ग, और बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बंद हो चुका है। एंड ट्रस्ट मी बहुत ही वाहियात लग रहा है बॉस, कहीं से भी ऐसा नहीं हुआ कि ये धीरे धीरे वायरल होगा, लोगों के ऊपर फीवर चढ़ेगा, ऐसा नहीं हुआ। शायद बिग बॉस को भी समझ में आ गया हो या पता नहीं, फॉर सम चेंजेस फिर से वापस से गाना ले आए, फिर से कुछ कर ले आएंगे। तो मतलब इस बार रियलिटी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट खेल रहे हैं एंड आई एम हैप्पी विद दैट। लेकिन शालिन को मैं सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ, ना ही उसके अगेंस्ट में हूँ। जैसे कि मैंने बताया हु इज द ऑनेस्ट कंटेस्टेंट इन द हाउस, दैट इज अंकित, एकदम साइलेंट। उसने सीधा कहा जब तक मैं बोलने का सोचता हूँ तब तक उस बात को कोई और कह चुका होता है तो मैं दोबारा से क्यों बोलूं। भाई ये बंदा अपने आप में किंग है, सो आई हैव टोल्ड यू दैट थिंग। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन, दैट वाज माय पर्सनल ओपिनियन फॉर दिस थिंग। आपका क्या कहना है, आप मेरी बातों से कितने तरह से किस तरह से एग्री हो पाए हो, हुए भी हो या नहीं, कमेंट सेक्शन पे बताना, लाइक डिसलाइक करके भी बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।